तुम्हें पता है बिलेजरों के पास मोटा सांडा रिवाजर कास है, जानने के लिए हमारे चैनल को बने रहिए। तो ये कहानी शुरू होती है विलेज से, जहाँ पर जो है उसे मार मार के भगा दिया जाता है विलेज से आयरन गोलम की मदद से, क्योंकि वो जो है विलेज का आधा खाना ख़त्म कर देता था, बहुत ही ज़्यादा बुक्कड़ था, इसलिए जो है विलेजर परेशान हो जाते थे और खाना उगाते थे तो उसके पैर जो है उस खाने को भी तबाह कर देते थे। जैसे ही तुमने देखा होगा रेड होती है तो खाने में वो तबाह कर देता था वो सांड, तो गया विलेजरों के दुश्मन के पास इवोकर के पास, उससे मदद मांगी तो उसने कहा कि हम मदद क्यों करें तुम्हारी, तुम तो विलेजरों के साथ रहते थे। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें आयरन गोलम को मारने में मदद कर सकता हूँ। तो वो करने हाँ कहती क्योंकि उनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं था जो आयरन गोलम को मार सके, मतलब वो लोग मार तो पा रहे थे लेकिन अपने बहुत सारे बंदे दाव में लगा के मार रहे थे। इसलिए जो रिवाजर की कहानी अभी मैं सुनाने वाला हूँ एलेक्स की कहानी, तो ये कहानी थोड़ी खतरनाक है और ध्यान से सुनना, थोड़ी मजाक की अभी है। तो इस कहानी में शुरू होता है एक विलेज में जहाँ वो रहती थी, और उस विलेज में जो है आग लग गई और आग की वजह से सारे विलेजर इधर उधर भागने लगे, लेकिन कोई नहीं बचा सिवाय एलेक्स के। और एलेक्स पे ना ही खाना था ना ही कुछ था, वो जो है मदद मांगने के लिए और विलेजरों के पास भी गई, उन्होंने साथ नहीं दिया और खाने की भी कमी थी उस पर, और विलेजरों के पास भी जा रही थी लेकिन कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा था, और वो विलेजरों के दुश्मन के पास भी गई लेकिन उसने भी उसे मना कर दिया क्योंकि वो जो है विलेजरों को मदद करती थी एलेक्स वो इवोकर को मारने में, और किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। इस वजह से जो है उसे जो है वहाँ से जाना पड़ा, और वो बड़ी उदास जा रही थी एक दिन, और उसने हीरो ब्रैम को देखा और उससे मदद मांगी। तो हीरो ब्रैम ने बोला उसे कि तुम्हें कोई भी मदद नहीं करेगा जब तक तुम लड़ाई में बढ़िया नहीं बन जाती। उसे जो है उसने ब्लॉक लगाना सिखाया और हीरो ब्रैम ने, और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई, लड़ाई भी करना वो हीरो ब्रैम ने सिखाया, और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जो एलेक्स को आता नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एलेक्स जो थी पहले विलेजरों को खाना देती थी, वॉर में ऐसी छोटे मोटे काम कर देती थी, विलेजरों के खेत साफ कर देती थी, तो उसे ज़्यादा कुछ तो आता नहीं था। और हीरो ब्रैम ने जो है उसे अपनी पावर भी दी, पावर मिलते वो एकदम ईविल बन गई, और ईविल बन गई, और उसने जो है और विलेजरों में आग लगाने लग गई। और एक दिन वो एक विलेज में आग लगा रही थी, तब जो है उसे जो है एक विलेजर दिखा जो छोटा सा विलेजर था, बेबी विलेजर था वो, और वो जो है आग में जल रहा था, वो भी उसने ही आग लगाई थी। तो उसने सोचा यार मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मेरे साथ भी तो ऐसा ही हुआ था लेकिन मेरे साथ कोई नहीं दे रहा था उस वक्त क्योंकि मेरे पे पावर नहीं थी, अब इस विलेजर का भी साथ नहीं देंगे, मेरी वजह से ये क्या हो गया। तो उसने जो है वापस वो हीरो ब्रैम के पास गई और उसको जो है उसकी सारी पावर दे दी, और पावर देने के बाद जो है उसने सारे ईविल जो बुरे काम थे वो छोड़ दिए, और फिर जो है विलेज में एकदम शांति से रहने लगे। पहले शुरुआत में तो कोई भी उसे स्वीकार नहीं रहा था, फिर जो है वो विलेजरों के लिए अच्छे काम करने लगी और उन्हें बचाने लगी, तो सब लोगों ने उसे मार लिया। अब जो है स्टीव की कहानी थोड़ी खतरनाक है, तो इसे ध्यान से सुनना। तो जब एलेक्स चली गई, जब ईविल उसने सारी चीज़ें छोड़ दी, तो हीरो ब्रैम ने सोचा मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ क्योंकि दोस्ती उसे सबसे बढ़िया लगती थी। तो उसके साथ कई सारी मिस्टीरियस चीज़ें, और फिर उसने सोचा यार दोस्ती पहले है, तो उसने वो कर दिया, मतलब अपनी सारी पावर को एक जगह रख दिया और एक मंत्र से जो अपनी वो पावर बुलाता था, और वो स्टीव कोई और नहीं हीरो ब्रैम की पावर थी, मतलब वो जो हीरो ब्रैम था वही स्टीव था। तो उसने जो है अपनी सारी पावर एक जगह रख दी, और तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं अच्छा हूँ, नहीं मैं इतना अच्छा भी नहीं हूँ जितना तुम्हें दिख रहा हो, मेरा असली रूप ये है, और मेरी पावर सिर्फ और सिर्फ एक मंत्र से आती है जो मैं भूल चुका हूँ क्योंकि इतने सालों से उस मंत्र का यूज़ नहीं करा, तो उस मंत्र को जो है मैं भूल चुका हूँ, और भूलने के बाद अगर वो मंत्र मुझे कोई याद दिला दे उसका पहला अक्षर तो मुझे सारा याद आ जाएगा, और सारा याद आने के बाद मैं बन जाऊँगा गॉड हीरो प्राइम वापस, लेकिन मुझे अभी वापस नहीं बनना, मुझे अभी यहीं पर रहना है क्योंकि ये अच्छी दुनिया है।